और उसके बाद दवा चली काफी और बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आया इस बार। और जो क्रिएटिनिन था वो पहले 10 पॉइंट कुछ था और अब वो 4 पे आ गया। 4 हो गया। यस सर। कितना समय हुआ है आपको दवाइयाँ शुरू? सर 2 मंथ। 2 मंथ जब से दवाई शुरू हुई। तो मतलब यानी कि जब आप सप्ताह में 2 करा रहे थे तब क्रिएटिनिन कितना आ रहा था? तब तो 10 था जी। 9.5 और अब सप्ताह में 1 करा रहे हो तो क्रिएटिनिन कितना आ रहा है? 4.2। ये रिपोर्ट आपने कहाँ से कराई? ये वहीं पे आई है, हमारे विलेज में है। अच्छा, फिजिकल लेवल पर भी एक्टिवनेस और एनर्जी है बॉडी में पहले से और अब में कुछ? हाँ, फिजिकल लेवल में मैं ये कह सकता हूँ कि पहले बॉडी में स्वेलिंग थी, टायर्डनेस बहुत जल्दी आ जाती थी, ठीक है, अभी वो चीज़ थोड़ी कम है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छा। लगभग मेरा 7.4 था। अच्छा, 15 दिन आपकी मेडिसिन लेने के बाद फिर यूरिया 144 थी। हाँ। वो 119 आ गई। अच्छा, यानी 25.15 दिन में ही कर गई थी। अच्छा, उसके बाद जो क्रिएटिनिन था वो 7.4 था, वो 7.3 आया। ठीक है, अभी मैंने परसों करवाया है तो ये 5.3 आ गया और यूरिया 78। ठीक है, ये सारे टेस्ट आपने अपने घर के आसपास से? 5 किलोमीटर दूर है टाउन में। अच्छा, इतने अच्छे फिर भी रिजल्ट मेरे बहुत अच्छे हैं कि अब मैं सर मानो बाइक भी चलाता हूँ, मतलब एक्टिव चलाता हूँ, वर्कआउट बहुत ज़्यादा करता हूँ। अच्छा। तो बॉडी में 1% भी वीकनेस नहीं है मेरे में, 1% भी। अच्छा, तो जब आए थे तब तमें और अमें आदि महसूस कर रहे होंगे? हाँ जी, पहले काफ़ी स्वेलिंग होती थी, बहुत मोटे हो जाते थे पाँव, अब तो काफ़ी कम है स्वेलिंग, हाथों में भी स्वेलिंग होती थी, तो हाथों में भी स्वेलिंग ठीक है, फिजिकल लेवल पर बेहतर है। ठीक है, पहले से अच्छा लग रहा है, स्वस्थ महसूस हो रहा है? हाँ, ठीक है। तो पहले और अब मैं फिजिकल लेवल पर उनको कहाँ कहाँ पे कितनी राहत है? सर फिजिकल लेवल पे बहुत बढ़िया राहत, जैसे पहले पैर सूज जाता था और मतलब चलने में दिक्कत आती थी, लेटे ही रहते थे ज़्यादातर और खाना भी नहीं खाना होता, कुछ भी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई थी। अब एक तरीके के बिल्कुल ये इतना कह सकते हैं कि 100 में से 90% फिट है। फिट है? हाँ, बिल्कुल फिट है। ठीक है, पर मेरे को काफ़ी रिलीफ मिला। He started your treatment on the 10th of March. Okay. And ever since then, he's much better. Okay. So he's done a, there's a very good improvement in him. Okay. And I've recommended you to a lot of South Africans here who are suffering with kidney diseases. Okay. And I'm so glad I found you because your treatment is really big wonders to him. Okay. अपने आस पास शिवर जिला से ही जाँच कराते हैं। ठीक है, पहले से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं? स्वास्थ्य लाभ लग रहा है पहले से? Sometimes if I feel also eating, then I eat after stuff also. Okay. But I do take my medications. Okay. So, अभी तो मेरा medicines finish हो गया इसलिए लेने के लिए आया हूँ वापस से। Okay. Coming from London, right? Yeah. Okay. ठीक है, पहले से क्या क्या फर्क लग रहा है? पहले फिजिकल बहुत ज़्यादा फर्क है। पहले मेरे को मूवमेंट में भी परेशानी होती थी और मूवमेंट मेरा ठीक हुआ। मैं सबसे बड़ी चीज़ है मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। अच्छा, यानी मेरे को ब्लड प्रेशर 90 करीब करीब रहता था नीचे का। अच्छा, और अब वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप देख रहे 70, 69, 70 इस तरह का कंट्रोल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, दोनों ही चीज़ बहुत अच्छी हो गई। और फिजिकली ही इज फीलिंग बेटर? पहले से उनको फिजिकल लेवल पे अच्छा लग रहा है? फिजिकल लेवल में बेटर है। रोते हैं रो के चले, भगवान इसको ठीक कर दे। हम तो जब के आपके पास आए हमें यही है कि आप हमारे लिए भगवान आए। हम यही शुगर करते हैं कि हमारे लिए आप ही हैं, क्योंकि मेरा बच्चा आगे से काफी सही है, बहुत सही है। आप तो सर हमारे लिए गोल्ड गिफ्ट हो, मतलब कि आपके कारण हमारे बहुत फायदा होगा। हम तो यही कहते हैं कि जिनको कोई दिक्कत आती है यहीं आके बताएं। 5%